भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया, कैसी कैसी बातें बोली। मैं तो हैरान हूं, मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथियों, अगर कोई, जरा आप ध्यान से समझिए, अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या, अरे सेट रेडी है क्या, अरे भाई सेट लगा दो, अरे सेट लागू हुआ होगा क्या नहीं, ऐसा आता ही नहीं शब्द। थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारें चलाई हैं, कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवाड़ किया है। हमारी वायुसेना नया लड़ाकू विमान मांग रही थी, उनकी सरकार फैसले टालती रही, विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिरने की परीक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। 21वीं सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला भी टाला जाता रहा। भाइयों और बहनों, ये लोग भारत को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके हिसाब पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाते रहे। साथियों, इन लोगों की राजनीति तभी चलती है जब देश कमजोर रहे, जब देश को ये लोग बंटे रहे, समाज में दीवारें हो, खाई हो, ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सबका साथ सबका विकास
ये उनको मंजूर नहीं है।